In today's lecture, we are going to prove that, we are going to demonstrate that M2 over R forms vector space. R is the set of real numbers, and what is the meaning of M2R? M2 is the set of all 2 cross 2 matrix. M2 is set of all 2 cross 2 matrix whose entries are from the real R. Matlab M2 ke jo elements hain, ye real hai. As I have said earlier, if you want to prove that M2 forms vector space, ya koi bhi set aapko diya ho aur aapko prove karna hai ye vector space hai, the first requirement is what are the operations, what are the vector addition operation and what are the scalar multiplication operations. To yahan bhi humne jo operations liya hai wo usual operation liya hai, standard vector, standard matrix addition and standard multiplication of matrix by scalar. ठीक है, तो यहां पे जो हमने ऑपरेशन लिया वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन लिया है. वेक्टर एडिशन इज व्हाट, जैसे आप यूजली दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे मैं आपको यहां दिखा सकता हूं, यहां पे स्टैंडर्ड एडिशन क्या होगा, जो आपने यूजर ऑपरेशन लिया, जैसे मान लीजिए आपने दो मैट्रिक्स उठाया, A11, A12, A21, A22. सपोज आपने ये दो मैट्रिक्स लिए और दूसरे मैट्रिक्स आपने लिया B11, B12, B21 एंड B22. तो स्टैंडर्ड एडिशन क्या है, सिंपली आप कैसे ऐड करते हैं, A11 को B11 से ऐड कर दीजिए, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 एंड A22 प्लस B22. सो दिस इज द स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2+2 ऑर्डर का है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसा आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय सम नंबर किया होगा, मान लीजिए कोई अल्फा है, कोई स्केलर है, जैसे 1 2, व्हाटएवर जो भी आप समझ सके, और कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए A11, A12, A21, A22. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, हर एक एंट्रीज में अल्फा से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए. राइट, अल्फा A11, अल्फा A12, अल्फा A21, अल्फा A22. तो ये दो ऑपरेशंस हैं आपके पास, ये है आपका वेक्टर एडिशन, आप यहां पे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके आपको ये प्रूफ करना है कि M22 जो है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसे शो करते हैं. Okay, so in order to show that M2 forms vector space over field R, our initial step would be what? Our initial step will be to show that, yeah, to demonstrate that M2 over R is an abelian group with respect to operation addition. तो सबसे पहले हम क्या ये शो करेंगे, सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि M2 जो है, अब यहां पर अंडरस्टूड है कि हमारा फील्ड R है. ठीक है, M2 with respect to operation addition is an abelian group. This is going to be your first step, it is going to be your initial step. तो ये हमें शो करना है पहले कि M2 with respect to operation addition, addition क्या है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन, इसके इस ऑपरेशन के साथ M2 को शो करना है कि ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है. तो एबिलियन ग्रुप होने की क्या शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है, ये जो ऑपरेशन आपने M2 में डिफाइन किया है उसे क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये ऑपरेशन को क्लोज होना चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपरेशन एडिशन इन M2 इट शुड बी एसोसिएटिव. राइट, तीसरी चीज क्या है, देयर शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट इन M2, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, देयर शुड बी इनवर्स एलिमेंट, मतलब M2 का कोई भी एलिमेंट है जो कि मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए. ऑपरेशन क्या है, एडिशन है. और लास्ट क्या है, कम्यूटेटिविटी. ऑपरेशन एडिशन जो M2 में आपने डिफाइन किया है इसको क्या होना चाहिए, इसे कम्यूटेटिव होना चाहिए. अगर ये सारी चीजें पूरी होती, इफ ऑल दिस कंडीशंस आर क्वालिफाइड, देन आई विल से दैट M2 फॉर्म्स एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन. तो चलिए वन बाय वन प्रूफ करना शुरू करते हैं. सबसे पहला हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. राइट, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी लेने के लिए हम क्या कहते हैं, कोई भी दो एलिमेंट, कोई दो मैट्रिक्स उठाइए M2 का, लेट आर्बिट्री मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12, A21, A22 एंड B11, B12, B21, B22 belongs to M2. ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमने उठाया आर्बिट्रेरी, और इनको आप क्लोज देखना, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी देखने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो इनको ऑपरेट कीजिए, इनको ऑपरेट करने का मतलब क्या है, इनको ऐड करना हो, क्योंकि ऑपरेशन वो क्या है, एडिशन है. तो देन अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं A11, A12, A21, A22 प्लस B11, B12, B21, B22, जब इनको आपने ऑपरेट किया तो जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है, A11 प्लस B11, A12
plus B12, A21 plus B21 and A22 plus B22, ठीक है। खास बात यहाँ पे क्या है, जितने Aij हैं और Bij हैं, ठीक है, ये कहाँ है, ये Rk है, मतलब A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22, ये सारे सारे क्या है, रियल्स है, ठीक। तो इनको ऐड करने पे ये आया। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ये M2 में है कि नहीं, ठीक। तो M2 में कब होंगे, M2 में तभी होंगे क्योंकि M2 क्या है, M2 है ऐसे 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसके एंट्रीज जो है रियल है। तो भाई अगर ये M2 में होना है तो इसे 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 और इसे इनको भी रियल होना पड़ेगा और साथ ही साथ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x2। तो M2 में होने के लिए बस इतनी शर्तें, 2x2 होना चाहिए और सारे एंट्रीज रियल होना चाहिए। तो 2x2 तो है, देखिए आप दो 2x2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा 2x2 का ही तो आएगा। मतलब आप समझ, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने दो मैट्रिक्स उठाई 2x2 की, उनको ऐड किया वो 4x4 का गया, ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम कहते भाई ये ऑपरेशन एडिशन जो है ये बैटरी नहीं है M2 में, क्योंकि भाई दो मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं, दो ऑर्डर के और जोड़ रहे हैं तो चार ऑर्डर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। आपने दो ऑर्डर के मैट्रिक्स को जोड़ा और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया उसका भी ऑर्डर भाई 2 ही है। साथ ही साथ चूंकि AI और BG इतने हैं वो सारे सारे रियल्स हैं, अब उनको दो रियल्स को जोड़ेंगे तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी रियल ही आएगा। तो ये भी रियल हुआ, ये भी रियल हुआ, ये भी रियल हुआ, ये भी रियल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ऑपरेशन एडिशन जो है M2 में क्लोजर है, क्यों, क्योंकि आपने दो मैट्रिक्स को उठाया M2 के और जब उनको ऑपरेट किया, उनको ऐड किया तो रिजल्टिंग जो नया एलिमेंट आया वो भी M2 में ही है, क्योंकि उसका ऑर्डर भी 2x2 है, साथ ही साथ उसकी जो एंट्रीज है वो सारे सारे रियल है, यही शर्त है M2 में होने के लिए, राइट। दस ऑपरेशन एडिशन इज क्लोज्ड इन M2, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये था पहला ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। अब दूसरा शब्द है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब तीन मैट्रिक्स लेते हैं, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स उठाते हैं, लेट मान लेते हैं कि A11, A12, A21, A22, क्या आपका एसोसिएटिव क्या मतलब होता है, बी प्लस में एसोसिएटिव क्या मतलब होता है कि x plus y plus z is equal to x plus y plus z, ब्रैकेट को आप यहां लगाइए, values are going to be same। तो इसी को यहां पे आपका यहां पे v क्या मैट्रिक्स का सेट है, तो आपको x y z ऐसे 3 मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो एक तो ले लिया मैंने ये, दूसरी ले लिया क्या b11, b12, b21, b22, एक और ले लेते हैं, ये सब मान लीजिए x है, ये y है, तीसरी क्या है मान लीजिए z, c11, c12, c21, c22, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई आपकी 3 मैट्रिक्स हो गई। आपको क्या प्रूफ करना है एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपको यही प्रूफ करना है कि एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर होल्ड करती है तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से दिखा देंगे ये हो रहा है, करेक्ट। तो इसको मिटा देते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज इज नॉट गोइंग टू डिफिकल्ट, बहुत ही आसान है। हाँ, लेकिन दीज आर द वेरी एसेंशियल एग्जांपल्स इफ यू वांट टू मास्टर लीनियर अलजेब्रा, सो दे आर द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल एग्जांपल्स, यू हैव टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थिंग्स, ओके। तो चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, A11, A12, A21, A22, ठीक, और यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको ऐड करते हैं जैसे स्टैंडर्ड एडिशन जैसे डिफाइन है वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, B11 प्लस C11, B12 प्लस C12 एंड B21 प्लस C21 एंड B22 प्लस C22, ठीक है, ये लीजिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, ओके। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, A11 प्लस B11 प्लस C11, और यहां पर लिख सकते हैं क्या, A12 प्लस B12 प्लस C12, जैसा एडिशन डिफाइन किया गया है जैसा होता है वैसे ही कर रहा है, कोई स्पेशल नहीं कर रहा हूं यहां पे। A21 इसको इससे ऐड कर दीजिए प्लस B21 प्लस C21, फिर इसको इससे ऐड कीजिए A22 प्लस B22 C22, B22 प्लस C22, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, क्या पता है कि A11, B11, C11 ये सारे सारे रियल्स हैं, रियल्स में ऑपरेशन एडिशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव होता है। तो ब्रैकेट हम यहां पे लगाए,
या इन दोनों बीच में लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसी को रीराइट कर सकते हैं ऊपर लिखा होगा यहाँ। इसके बाद का स्टेप क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को यहाँ लगाएं या A11 B11 के बीच में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में ऑपरेशन एडिशन क्या है, वो एसोसिएटिव है, और जितने AIJ BIJ है वो सारे के सारे क्या है, रियल्स है, ठीक है। और ये एडिशन किसका है, रियल नंबर्स का है। तो हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, देखिए क्या लिखें, ब्रैकेट को कहां लगा दें, A11 + B11 ऐसे लिख दें हम, ठीक है, + C11 कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहां भी लिख सकते हैं A12 + B12 + C12, और यहां पे A21 + B21 + C21, और ये लास्ट वाला A22 + B22 + C22, ठीक ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहां, क्योंकि एडिशन इन R इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करेंगे तो हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A11, ठीक, A12, A21, A22 + B11, B12, B21, B22, ठीक, ये + C11, C12, C21, C22। तो यहां से हमने ये शो कर दिया कि ऑपरेशन एडिशन जो है M2 में वो क्या है, वो एसोसिएटिव है, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप क्लियरली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या, ये देखना पड़ेगा आपको क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है M2 में। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड इज व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट, या कह सकते हैं जीरो एलिमेंट। तो अब आपको कैसे एलिमेंट की तलाश करनी है M2 में, ऐसे एलिमेंट की तलाश करनी है ई, ठीक है, जो कि M2 के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट हो तो वही एलिमेंट आ जाए। और आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या होती है कि ई ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑपरेशन ई इज इक्वल टू, यही आ जाता है। ई जिस पे ऑपरेट होता है वही आ जाता है, ई जिस पे लेफ्ट या राइट से ऑपरेट होता है वही आ जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, एडिशन है। तो मैट्रिक्स का सेट में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स का सेट है तो आइडेंटिटी भी जो होगा वो मैट्रिक्स का सेंस में होगा। अगर हमारा कहते हैं जो वी है वो अगर फंक्शंस का सेट होता तो हमारा आइडेंटिटी क्या होता, फंक्शंस के फॉर्म में होता। अगर हमारा वी जो है वो कह सकते हैं पॉलीनोमियल का सेट होता तो हम कहते हैं हमारा आइडेंटिटी एक पॉलीनोमियल के फॉर्म में होता। तो हमारा वी हम क्या है यहाँ पे, M2 मैट्रिक्स सेट है, तो हमारा आइडेंटिटी जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म का होगा। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो एलिमेंट क्या होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, राइट। अगर आप ले लें 0 0 0 0, ठीक है, ये M2 बिलोंग करेगा। पहली चीज तो देखिए, चलिए हो सकता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो लेकिन M2 में ना हो, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो जीरो मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं क्या ये M2 में है। तो हमने कहा हाँ ये M2 में है, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2x2 है और साथ ही साथ इसके अंदर जो एंट्रीज है वो सारी सारी रियल्स। तो आप कह सकते हैं यस दिस बिलोंग्स टू M2, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी होने की शर्त को पूरा करता है। शर्त क्या आइडेंटिटी होने की, कि इसको आप किसी भी एलिमेंट पे M2 के ऑपरेट करें। मान लीजिए मैंने लिखा A11 A12 A21 A22, ठीक है, या आप लेफ्ट में 0 0 0 मैट्रिक्स ऑपरेट करें इसके, या राइट पे ऑपरेट करें, मतलब A11 A12 A21 A22 इसके राइट से ऑपरेट करें, हम यहां राइट पे आ गए, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, आपको यही मैट्रिक्स मिलने वाली A11 A12 A21 A22, मतलब E ऑपरेशन X इज इक्वल टू X ऑपरेशन E इज इक्वल टू क्या आने वाला है, X ही आने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि, और हाँ ये आर्बिट्री एलिमेंट है, तो आप कह सकते हैं फॉर एवरी A11 A12 A21 A22 बिलोंग्स टू M2। तो यहां से आप कह सकते हैं कि दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चलिए ठीक है, M2 में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया हमारा, क्योंकि M2 के आप किसी भी मैट्रिक्स पे इस मैट्रिक्स से, इस आइडेंटिटी एलिमेंट से लेफ्ट या राइट पे ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आ जाता है, वही मैट्रिक्स आती है जिसपे आप ऑपरेट करते हैं। यही आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। ई ऑपरेशन एक्स इक्वल टू एक्स ऑपरेशन इक्वल टू एक्स, दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिस भी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, राइट। ई ऑपरेशन एक्स इज एक्स, मतलब अगर ये इतना खूबसूरत एलिमेंट है कि जिसके साथ जुड़ता है उसको बदलता नहीं है,
वो जैसा इंसान है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही खासियत है आइडेंटिटी की कि अगर अगर आपके पास आइडेंटिटी है तो आप ही रहेंगे, आप बदल नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये हो गई आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की, बात करते हैं भाई इनवर्स एलिमेंट है कि नहीं। ओके, तो इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप M2 का कोई भी एलिमेंट उठाइए, मतलब कोई भी 2x2 मैट्रिक्स उठाइए, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन उसका इनवर्स मिलेगा। मतलब M2 के सारे एलिमेंट, सारे मैट्रिसेस जो M2 में है उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हुआ M2 में जिसका इनवर्स नहीं है तो हम कहेंगे कि M2 जो है वो अबेले ग्रुप क्या ग्रुप ही फॉर्म नहीं करता है। तो आपको यह क्या दिखाना है कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक उठाइए M2 का और आप बताइए कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन इसको ध्यान में रखिए। मतलब लेट अगर हमने ले लिया a11, a12, a21, a22 मान लेते हैं ये बिलोंग्स टू हमने M2 ले लिया, जहां ai जो है aij दे आर रियल। ठीक है, देन इसका इनवर्स क्या होगा, एकदम नेचुरल है, देन -a11, -a12, -a21, -a22 बिलोंग्स टू M2 सच दैट कि क्या हो रहा होगा कि आप इस a11, a12 पर ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ऊपर इस पे इस मैट्रिक्स से लेफ्ट में या राइट में ऑपरेट करें तो क्या आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इनवर्स तो वैसे नेचुरली दिख रहा था, ये M2 में है इसका इनवर्स क्या ही है, इसको इससे ऑपरेट करें जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। यही होता है जैसे हम जब आपसे नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, जैसे मैंने बोला कि नंबर सिस्टम में मान लीजिए R में एक एलिमेंट है 2 बिलोंग्स टू R, तो इसका इनवर्स क्या होता, बोलते थे -2 बिलोंग्स टू R सच दैट कि 2 माइनस 2 का हो या -2 प्लस 2 का हो जीरो ही आ जाएगा। वही हाल यहां भी है, बस यहां पे सेट जो है आपका मैट्रिक्स आ गया, तो ये 2 की जगह ये मैट्रिक्स है। ठीक है, -2 की जगह ये मैट्रिक्स है और 0 की जगह क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, सिंपल। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, -a11, -a12, -a21, -a22 कुछ ऐसा मैट्रिक्स है, समझ लीजिए इनवर्स एलिमेंट जो है जब ऑपरेट करता है आप पर तो आपको मिट्टी में मिला देता है, जीरो कर देता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर आपकी जिंदगी में इनवर्स एलिमेंट आया ना तो आप खत्म। ठीक है, मिट्टी में मिला देगा, जीरो बना देगा आपको, तो बच के रहना ये इनवर्स एलिमेंट से। करेक्ट, तो यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखिए कितना खतरनाक एलिमेंट है तो खूबसूरत बट है खतरनाक, a21 - a22 + डेंजरस, राइट, a11, a12, a21, a22 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। समझ गए ना आप, खत्म। तो ये है खास बात आपके इनवर्स एलिमेंट में। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा था, जिस भी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है उसकी आइडेंटिटी को नहीं बदलता। इनवर्स एलिमेंट क्या है, जिस भी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है उसको पूरी तरीके से समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक, तो आप कह सकते हैं यहां पे M2 में कोई भी 2x2 मैट्रिक्स उठाइए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स एलिमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कंप्लीटेड। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो आपको पता है कि अंडर दिस कंडीशन M2 विल फॉर्म ग्रुप, हम कह सकते हैं नाउ M2 इज अ ग्रुप। लेकिन हमें यह प्रूफ करना है कि M2 इज अ अबेले ग्रुप, तो उसके लिए आपको थोड़ी कुछ और भी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। एक ही शर्त बची, वो क्या है, कम्यूटेटिविटी, राइट। तो कम्यूटेटिविटी भी कर लेते हैं हम, अब बात ये बात आती है कम्यूटेटिविटी की। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल, जैसे आपका सेट V था, इसमें अगर x, y दो एलिमेंट है बिलोंग्स टू V, तो कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, x plus y is equal to y plus x। अब यहां पे x, y की जगह क्या है, मैट्रिसेस है, तो आपको दो मैट्रिक्स ले लेना पड़ेगा, x, y का दो मैट्रिक्स उठा लीजिए आप, ठीक है, और चेक कर लीजिए क्या a plus b equal to b plus a या x plus y equal to y plus x है कि नहीं। तो आप दो मैट्रिक्स ले लीजिए V का, V क्या है आपका M2 है, तो लेट a11, a12 कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, ये a21, a22 और ले लेते हैं b11, b12। तो मेरा पर्पस आपको समझा देना ये, ठीक है, ऐसा जिसका प्रूफ जो है समझ लेंगे आप, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। मान लेते हैं कि दो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स हैं, किसके, M2 के हैं। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक, आप इनको चाहे ऐसे ऐड कीजिए a11, a12, a21, a22 प्लस, ठीक, b11, b12, b21, b22 इनको ऐड कीजिए तो क्या आएगा, जैसा डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है, a11 + b12 + a21 + b21 और a22 + b22। अब चाहे इन्हें ऐसे लिखिए, चूंकि आपको पता है, क्या पता है, यू नो दैट
कि ए आई जे एंड बी आई जे, ये जो ए वन वन बी वन वन ये सारे जो लिखे हुए ये आर के एलिमेंट है, और आर में क्या होता है ऑपरेशन एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो हम ए वन वन प्लस बी वन वन लिखे या इसको हम बी वन वन प्लस ए वन वन कर दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आर के एलिमेंट है और आर में ऑपरेशन एडिशन क्या है कम्यूटेटिव है, तो इसको ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख दिया हमने ऐसे, देखिए बी टू वन प्लस ए टू वन, यहां लिख दिया क्या बी टू टू प्लस ए टू टू, ठीक है बी वन वन प्लस ए वन वन बी वन टू प्लस ए वन टू लाइक दिस, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से, ये लिखा हुआ क्या बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू प्लस ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, देख लीजिए आपको यहां पे आपने क्या प्रूफ कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ऑपरेशन एडिशन इन M2 इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन। सोचिए यहीं पे अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिसेस कर देते M2 डॉट, तो आपको सोचना होगा क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अगर आपने दो मैट्रिक्स AB belongs to M2 ले लिया तो क्या AB is equal to BA है, सोचिएगा इसमें हो सकता है आपको इसका उत्तर कुछ और मिले, ठीक है। खैर यहां तक हमने ये प्रूफ कर दिया क्या कि M2 with respect to operation addition, thus M2 with respect to operation addition form abelian group, ठीक है, तो हमने ये established कर दिया, we have just established that M2 with respect to operation addition form abelian group. Now the things are, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें वो सारी properties प्रूफ करनी होगी जो कि scalar multiplication से related है, तो अब कह सकते हैं ए वाली चीजें हो गई हमारी, एडिशन के रेस्पेक्ट में जितना करना था हमने कर लिया, अब हमें प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशंस जो होती है उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, तो लिख सकते हैं चाहे तो बी कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो अगर आपके पास सेट V है जिसमें आपने ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्टार डिफाइन किया है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को V में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए जैसा क्लोज की डेफिनेशन होती है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, राइट, एसोसिएटिव होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़ा है, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी, करेक्ट, तो अब ये सारी चीजें मैट्रिक्स सेंस में अगर हमने प्रूफ कर दिया तो फाइनली हमने ये शो कर दिया कि M2 फॉर्म्स वेक्टर स्पेस, तो चलिए चलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ कर, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं, लेट्स प्रूफ दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड या क्लोजर प्रॉपर्टी WRT means with respect to scalar multiplication. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पहले आप देखिए scalar multiplication आपने कैसे define किया है, ठीक है? मतलब एक scalar है, उसका आपने vector में multiply किया हुआ है. Vector basically क्या होता है? वो v का जो element है. तो आपका v क्या है यहाँ पे? v है आपका m2. तो m2 के कोई भी arbitrary element उठाइए, उसमें scalar alpha से multiply कीजिए और जो आए, ठीक है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सिंपल एक ही मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, वेक्टर का मतलब क्या होता है वो वेक्टर में समझ लीजिएगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला वेक्टर, जब भी बोलूं ये समझ लीजिएगा कि जो आपने सेट लिया है उसका एलिमेंट है, ठीक है, वेक्टर मतलब क्या समझेंगे आप, जो आपने सेट लिया है उसका एलिमेंट है, सेट हमारा एम टू है तो उसका एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको चेक करना है कि क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है इस मैट्रिक्स में इस स्केलर से मल्टीप्लाई किया और क्या हुआ आपका कि ये भैया क्या है ये M2 से बाहर चला गया, अगर ये M2 से बाहर चला गया तो हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड, तो कभी-कभी ऐसा होता है दिखाएंगे आपको, तो आपके यहां पे यही भी आपकी फील्ड की इंपॉर्टेंस भी आती है, जिससे आप सोचते होंगे कि फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिखाता हूं, फील्ड हमने R लिया है तो देखिए यहां पे तो होल्ड कर रहा होगा, आप सोचिए अगर फील्ड सी ले लेंगे तो क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा, तो अभी आर के लिए काम करते हैं एम टू आर है ना, ठीक है, तो आप लीजिए लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड इक्वल टू आर, ये हो गया हमारा स्केलर, और एक वेक्टर है, तो वेक्टर क्या होगा आपका मैट्रिक्स होगा एंड
ये आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स रहते हैं A11, A12, A21, A22, दिस इज एन आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स बिलोंगिंग्स टू M2। अब आप क्या देखना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, देन ये जो है आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं। तो पहले स्केलर मल्टीप्लाई तो कर लो स्केलर से मैट्रिक्स में, बिना मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करके कैसे आप चेक कर पाएंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है कि नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह है अल्फा A11, अल्फा A12, अल्फा A21, अल्फा A22। अब क्वेश्चन है कि ये जो स्केलर से आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट आया, ठीक है, इसी में सारा सारा कहते हैं हमारा मैटर टिका हुआ है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज तभी होगा जब ये एलिमेंट जो आया है ये M2 में लाई करे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सारे सारे लिखे हैं ये चार एलिमेंट हैं, ये सारे सारे रियल्स हो, तो क्या आपको लगता है कि ये M2 में लाई करता है? तो हम कहेंगे M2 में लाई करने के एक शर्त तो पूरा करता है, क्या है कि 2×2 है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स की ऑर्डर तो नहीं बदल जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया किसी 4×4 मैट्रिक्स में या 2×2 मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर 2000 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब अल्फा से जब हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स लाया तो ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होगा, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंजेस इन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो रिजल्टिंग न्यू मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑफ द 2×2 ऑर्डर। तो चलिए 2×2 ऑर्डर में तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्वेश्चन बनता है क्या ये आर में है, क्या ये आर में है, क्या ये आर में है, क्या ये आर में है? तो ऑफकोर्स ये आर में है, क्यों? क्योंकि अल्फा भी आर में है और A11 भी R में है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल्स इज अगेन गोइंग टू बी रियल, तो इस वजह से ये सारे के सारे R में है, तो ये फाइनली हम कह सकते हैं ये M2 R में है, तो हम कह सकते हैं दस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन M2। लेकिन यहीं से आपको ये भी मैं बता दूं कि फील्ड की महत्व तो कितना ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड, ऐसे आपको लग रहा होगा ये तो होता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही अगर हमने आपसे बात करी, यहां साइन लिख देता हूं आपसे, अगर मैं आपसे कह देता M2 और C, मैं फील्ड आपका सी ले लेता मान लीजिए, और मैं आपसे बोलता मान लीजिए M2 R तो लिया और फील्ड मैंने सी ले लिया, मतलब आप समझ रहे मैट्रिक्स तो हमने ऐसी की जिसके एंट्रीज क्या है रियल है, A11, A12, A21, A22, लेकिन मैंने कहा फील्ड आपका क्या है सी है, ओके okay, और मैं बोलूं कि चेक कीजिए कि क्या क्या कहते हैं ये जो नया एलिमेंट आएगा, मतलब इस मैट्रिक्स में कहते हैं यहां किसी स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये M2 R में आएगा, यही चेक करना होगा आपको। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने क्या कहा अभी यहां पर क्या फील्ड है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो आप पास पॉसिबिलिटी है कि अल्फा जगह आप आई में ले लेंगे, ठीक है, ओके तो चलिए मैंने अल्फा मान लीजिए आई ले लिया, अब M2 R का एक एलिमेंट उठा लीजिए मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ले लिया आपने, ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आया I2 I3 I4 I। अब मैं क्वेश्चन पूछूं क्या ये M2 R में है, तो आपको दिस डजंट बिलोंग्स टू M2 R, क्यों? क्योंकि इस स्केलर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे ये जो भी बन के आ रहे हैं ये तो सारे के सारे कहते हैं कॉम्प्लेक्स हो गए आगे, और M2 R में होने की शर्त क्या है, ये जो है I2 I3 I4 I ये तो नहीं है, ये सब के सब रियल होंगे और 2×2 ऑर्डर होंगे तभी M2 R में आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आपने फील्ड कॉम्प्लेक्स कर दिया तो पॉसिबिलिटी हो गई आई लेने की, अल्फा आई भी ले सकते हैं, और आपने यहां मल्टीप्लाई किया देखा ये क्या आ रहा है, ये ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो M2 R में नहीं है, तो इस शर्त में आप क्या कहेंगे कि फील्ड हमने R की जगह कॉम्प्लेक्स ले लिया तो मामला बदल गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो M2 M2 R जो है ओवर द फील्ड ऑफ R फॉर्म्स वेक्टर स्पेस, लेकिन M2 R ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं फॉर्म करेगा, राइट, यही पे प्रॉब्लम आ जाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने M2 R में, ठीक। तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टीज है, आप वो बहुत डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज नहीं है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ फिर आपको आपसे कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिविटी में जैसे आपने किया था सिमिलर तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि हमने बताया था कि सेट V है, ठीक है, अल्फा मान लीजिए फील्ड का एलिमेंट है और एक्स वाई जो है V का एलिमेंट है, तो अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई शुड इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, या अगर आपके दो एलिमेंट अल्फा बीटा है फील्ड के, अल्फा प्लस बीटा एक्स शुड इक्वल टू, या दो एलिमेंट आपने फील्ड के ले लिया अल्फा बीटा, तो आप क्या प्रूफ करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, जहां अल्फा बीटा कहां के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है और एक्स बिलोंग्स टू वी,
ठीक है, तो एक ये पूरा एक ये प्रूफ कर लेते हैं, दूसरा आप अपने से कर सकते हैं क्योंकि एकदम बहुत ही ट्रिवियल चीज है, इसमें कोई टिपिकल चीज नहीं, बड़े आराम से किया जा सकता है इसे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स वाई जो है दो मैट्रिक्स ले लीजिए, एक अल्फा ले लीजिए फील्ड का, तो दो मैट्रिक्स लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, ठीक, तो लेते हैं इसे प्रूफ करते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड आपका क्या है आर है, एक्स वाई की जगह क्या लेते हैं दो मैट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू और बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू, दे बिलोंग्स टू एम टू आर, ठीक। चलिए दो एलिमेंट आपने ले लिया, अब आप क्या प्रूफ करना है, देन यू हैव टू शो दैट अल्फा डॉट ये ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ठीक, इसको बाहर लगा देते हैं, प्लस बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस अल्फा टाइम्स दिस मैट्रिक्स, समझ गया ना, अल्फा टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस अल्फा टाइम्स दिस मैट्रिक्स, ठीक। तो इसको क्या कह सकते हैं आप, बहुत सिंपल तरीके से, अल्फा पहले बाहर रखिए, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, जोड़ दीजिए ए वन वन प्लस बी वन वन और ये क्या बन जाएगा ए वन टू प्लस बी वन टू और ये हो गया आपका ए टू वन प्लस बी टू वन और ये हो गया आपका ए टू टू प्लस बी टू टू, ठीक। अब क्या करना है, अल्फा से अंदर इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, अल्फा कैसा स्केल मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड, अल्फा की सारे इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा ए वन वन प्लस बी वन वन फिर अल्फा की ए वन टू प्लस बी वन टू, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा टाइम्स ए टू वन प्लस बी टू वन अल्फा टाइम्स ए टू टू प्लस बी टू टू, ठीक। इसके बाद और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा ए वन वन ये अल्फा बी वन वन, यहां पर लिख सकते हैं क्या, अल्फा ए वन टू प्लस अल्फा बी वन टू अल्फा ए टू वन प्लस अल्फा बी टू वन एंड अल्फा ए टू टू प्लस अल्फा बी टू टू, ठीक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहीं से प्रूफ भी हो जाएगा, अल्फा को बाहर लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू प्लस अल्फा टाइम्स क्या लिख सकते हैं बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू, यही देखिए प्रूफ भी करना था आपको, क्या प्रूफ कर दिया आपने, अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, करेक्ट। तो ये आपने एक साइड से प्रूफ कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दूसरे साइड से आप प्रूफ कर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, एक्स की जगह कोई मैट्रिक्स ले लीजिएगा ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, तो बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, थोड़ा आपको आइडिया देना था कि कैसे करना है, ओके। एक और प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देते हैं, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी तो वी ने क्या कैसे हमने पढ़ा था, व्हाट वाज द कंडीशन, कि मान लीजिए अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है और एक्स वी का एलिमेंट है, तो अल्फा बीटा एक्स ऐसे ब्रैकेट रखिए या अल्फा बीटा एक्स, राइट, वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, तो यहां पे एक्स की जगह क्या ले लेंगे मैट्रिक्स, अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट ले लीजिए, ठीक। तो वैसे करते हैं इसे, ओके, तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड क्या है आपका रियल, और एक मैट्रिक्स ले लीजिए एक्स की जगह एंड ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू बिलोंग्स टू एम टू और आर, ओके ओके। तो लेट अल्फा बीटा, ठीक है, ये ना देखिए हम लिखे जा रहे हैं अल्फा बीटा एक्स, ठीक। तो अल्फा बीटा एक्स के लिए क्या रह सकते हैं आप, जो मैट्रिक्स है आपके क्या है ये ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ठीक है, और क्या प्रूफ कर दीजिए आप, अल्फा बीटा को साथ में ले लीजिए, तो इसे प्रूफ करना डिफिकल्ट एकदम नहीं है, अल्फा बाहर रखे नहीं पहले बीटा से मल्टीप्लाई कर दे, क्या लिखेंगे इसको आप, बीटा ए वन वन, ठीक है, बीटा ए वन टू बीटा ए टू वन बीटा ए टू टू, ठीक, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा बीटा ए वन वन, ठीक, अल्फा बीटा, क्योंकि मैट्रिक्स ये जो मल्टीप्लीकेशन, देखिए अल्फा बीटा ए आई जे जितने हैं वो रियल्स हैं, तो अल्फा बीटा ए वन वन लिखू ब्रैकेट यहां पे लगाऊं या ब्रैकेट बीटा ए वन वन के बीच में लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमारा काम जो है ज्यादा आसान हो जा रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा जैसे मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया, हम चाहे बीटा ए वन टू वन के बीच में ब्रैकेट लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा और ए आई जे जो है वो रियल्स है,
ठीक है, और रियल्स में ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, बस और कोई बात नहीं। अल्फा बीटा ए टू टू, ठीक। अब अल्फा बीटा चाहे तो हम यहां से बाहर ले सकते हैं, दिस इज अल्फा बीटा, बाहर ले लीजिए और क्या बन गया आपका ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, डेफिनेशन से हमें बाहर ले लिया इसको। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया अल्फा बीटा एक्स, ये था अपना, आपने क्या प्रूफ कर दिया दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, ये जो आपने प्रूफ कर दिया। अब बस एक लास्ट बची हुई है, वो क्या है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक, उसको भी प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ क्या करना है वो तो ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहे तो प्रूफ कर लेते हैं ऑल्सो वन डॉट ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू इज इक्वल टू वॉट ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू फॉर एवरी, ये इसको अगर मान लीजिए ए लिख देते हैं ए बिलोंग्स टू एम टू आर, हो गया आपका पूरा प्रूफ। दस एम टू आर फॉर्म्स वेक्टर स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप आपको समझ में आया हो। अगर स्टिल आपके पास कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीनोमियल का पॉलीनोमियल वेक्टर स्पेस एग्जांपल लेंगे, जो कि लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद हम आगे सब स्पेस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया।